पुलिस प्रशासन व मीडिया कर्मी ने पेश की मानवता की मिसाल। प्रदेश की योगी सरकार के आदेश हैं कि कोई भी इंसान भूखा ना रहे। जहां अलग अलग जनपदों से पुलिस की बर्बरता की तस्वीरें आ रही हैं, वहीं कासगंज जनपद के गंज डुंडवारा कस्बे से कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कस्बे के रेलवे रोड पंचायती बाग के मुख्य गेट पर लगभग एक माह से अधिक एक 90 वर्षीय निराश्रित वृद्ध महिला मैले कुचैले कपड़ों में रह रही थी, जो खाना नहीं खाती थी। वृद्धा चाय और बिस्किट पर निर्भर थी। आपको बता दें कि सोशल मीडिया के द्वारा जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों को ये जानकारी मिली कि एक वृद्ध महिला मैले कुचैले कपड़ों में रह रही है। जानकारी मिलने पर कोतवाली प्रभारी रिपुदमन सिंह ने पहुंचकर वृद्ध महिला को नगर पालिका की महिला कर्मियों के द्वारा वृद्धा को स्नान कराया और नए कपड़े भी पहनवाए। वहीं वृद्धा को मीडिया कर्मी शकील अंसारी ने गोद में उठाकर कार में बैठाया और कोतवाली प्रभारी रिपुदमन सिंह ने वृद्धा को खाने पीने के लिए बिस्किट व फल दिए और अपनी गाड़ी से वृद्धाश्रम कछला भेज दिया। कस्बा वासियों ने पुलिस प्रशासन और मीडिया कर्मी के इस मानवता कार्य की काफी सराहना की है। क्या नाम है आपका? सौरभ गुप्ता। जो वृद्ध महिला यहाँ बैठी रहती थी, इनको कहाँ भेजा गया और क्या है पूरा मामला? किसी आदमी ने डीएम साहब के वो ट्वीट किया था, इसके लिए वो यहाँ आए थे सारे अधिकारी लोग वगैरह। इन अम्मा को लगभग 1.5 महीने से लगभग यहाँ ज़्यादा हो गया है, इसके लिए यहाँ से अब अधिकारी लोग आए थे सारे लोग, इसके लिए इन्हें वृद्धाश्रम कचला भेज दिया गया है। अच्छा, तो इनकी देख रेख कौन करता था यहाँ? इनकी देख रेख मोहल्ला पड़ोस के लोग इन्हें चाय वगैरह दे देते थे वगैरह और बिस्कुट वगैरह, और बाकी लोग अम्मा को पैसे दे जाते थे जो अम्मा के लिए चाय वगैरह और आ जाती थी। इनकी उम्र कितनी होगी? लगभग अम्मा की उम्र 85 या 90 साल के लगभग होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।